शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। रसाल मंदिर कब गई थी? घनी देर हो गई, सारे रास्ते भी बंद। ऐसे मौसम में एकली जाने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, रसाल घर वापस कैसे आएगी? क्या पता वो आवेगी कि नहीं आवेगी, क्या पता। ये आप क्या कहो मामा साहब? अरे रसाल मंदिर गई नहीं है, वो मंदिर का बहाना बना के विक्रम से मिलने गई। आपको कैसे पता चला मामा साहब कि रसाल विक्रम से मिलने गई? मैं अपनी आंखों से देखियो, विक्रम के घर के बाहर हवेली की गाड़ी खड़ी थी। बरसात की चिंता किए बना भीग तो वो मैं गाड़ी से उतरियो और ड्राइवर के पास गयो। ड्राइवर से पूछो तो ड्राइवर ने बतायो कि रसाल विक्रम से मिलने आई है। पहले तो मैं सोचियो कि डांट डपट के रसाल को घर ले आऊं, फिर सोचियो कि नहीं रणवीर ने पूरो लागेगा, इस वास्ते मैं घर आ गयो। यूं सोचो कि रणवीर ने आके बताऊं, पण अठे आके देखियो तो रणवीर पहले से परेशान तो, और यो भी पता चालियो कि घर में महाभारत हो गयो है। बस मैं चुप हो गयो। मैं आपसे बात छुपा तो ली पर मन नहीं मान्यो, इन वास्ते बता दी। इसीलिए रसाल मने लिए वीणा ही चली गई, क्योंकि वो विक्रम से मिलने जा रही थी। लेकिन रसाल को यूं झूठ बोलकर हम सबसे छुपकर विक्रम से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? जे ऐसो ना करती तो वो रणबीर और विक्रम दोनों के साथ एक साथ खेल कैसे खेल सकती थी? तू तो अपनी बहन के खिलाफ कभी कुछ ना सुनना चाहे बिंदनी, लेकिन थारे कांड बंद कर लेने से सच झूठ में तो ना बदल जावे को। और सच तो ये है कि रसाल ने हम सबको धोखो दियो, उसने हम सबके सामने विक्रम से ब्याह करने से इनकार कर दियो ताकि उसका इस हवेली में ठकुराइन होने का अधिकार बना रहे, और वो जब चाहे तब विक्रम के साथ रास लीला कर सके। जी जी, लालच के कारण कोई बिंदनी इतना नीचे गिर सकती है ये तो मैं सोच भी ना सकूं। ना ऐसा, हमारी बहन ऐसी ना है, आप उस पर इतना बड़ा लांछन। हाँ हाँ, तुम दोनों बहनें तो देवियां हो, जे हमारो भाग्य उजागर करने के लिए इस हवेली में आई हो। आज तो तूने बिना सोचे समझे दीप पर उंगली उठा दी थी, जबकि दीप रणबीर की मदद कर रहे थे, ठाकुर साहब से रणबीर के लिए माफी की विनती कर रहे थे। थारी तरह दीप अपने छोटे भाई रणबीर से प्रेम कर रहे, पर थारे लिए तो सिर्फ थारी छोटी बहन और थारी भावना यही मायने रखे है ना? चंचल, बात कटे से कटे ले जा रही है, अटे बात रसाल की बच्चलनी की हो रही है। सच जाने बिना हम लोग रसाल पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। ठाकुर साहब ठीक कहेगा ऐसा, मैं आपसे विनती करूं एक बार रसाल को घर वापस आ जाने दीजिए, फिर सारी बात सबके सामने आ जाएगी। विक्रम का घर मंदिर से खड़ों पास है, हो सके है कि विक्रम की भाभी उसे मिल गई हो और वो उसे अपने साथ घर ले गई। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, वैसे भी मौसम घना खराब है। पर इस तरह मने साथ लिए बिना जाने का क्या मतलब है रुक्मी? मैं सिर्फ पूजा की थाली लेने गई थी और वो मारे वास्ते रुकी भी ना। मासा, जब अपनों ही सिक्को खोटो है तो दूसरे की छोरी को दोष देने से क्या फायदा। आपने भारे से ये क्यों कहा?
विक्रम चलो गया है तो क्या करती? थारे को सच बता देती कि वो और परेशान हो तो नरक बना के रखे तूने मारे देवर को जीवन, और अब तक क्या देखना आई कि वो जिंदा है कि मर गया है? सब कुछ बर्बाद करके भट्ठे आई है और मारे से ही पूछिए कि मैंने क्यों कही हो कि विक्रम यहाँ से चलो गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थारा सायो भी उस पर पड़े। तुमने क्या कहा था? रणवीर और रुक्मी ने तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए दोबारा प्यार जगाने की कोशिश की थी, पर जो मैं देख रहा हूँ उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो प्यार आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। शायद तुम्हें ये बात समझ में ना आए रसा, लेकिन तुम आज भी विक्रम से उतना ही प्यार करती हो जितना तुम पहले करती थी। जब थारे को हमेशा वास्ते घोड़े को डर ला क्यों, तब बारे को एहसास हो कि भारी जीवन में थारो कितनो महत्व है। क्या किया रसाल? अपने साथ साथ तायसा के सामने मेरी इज्जत भी गिरा दी उसने, और क्या जरूरत थी उसे इस तरह छुपकर विक्रम से मिलने जाने की, वो भी सबको झूठ बोलकर। अगर वो मुझसे कह देती तो क्या मैं मना कर देता? ठाकुर साहब, रसाल को वापस तो आ जाने दीजिए, अपने आप सारी बात का खुलासा हो जाएगा। अब क्या खुलासा होगा रुक्मी, और क्या खुलासा होगा? ये बात सबके सामने साफ हो चुकी है कि रसाल विक्रम से आज भी प्यार करती है, और लालच के कारण इस हवेली से जाना नहीं चाहती थी। ऐसा ही सोचो ठाकुर सर। अरे तो और क्या सोचूं मैं? वो छोड़ा है उसने सोचने के लिए। ठाकुर साहब, मने पूरा विश्वास है रसाल ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह है। अत्ते रुक्मी, आंखें होते हुए भी कब तक अंधी बनी रहोगी तुम? अब तो समझ जाओ कि रसाल की असली मंशा क्या है, आखिर चाहती क्या है वो। रसाल तुमसे इतनी नफरत करती है रुक्मी कि वो तुम्हें मेरे साथ कभी खुश देख ही नहीं सकती, और यही वजह है कि वो मुझे तलाक नहीं देना चाहती, जबकि दूसरी तरफ वो विक्रम को भी नहीं गंवाना चाहती, इसलिए उससे छुप छुप कर मिलने का ये नया तमाशा शुरू किया है उसने। एक तरफ तो इस हवेली के पवित्र बींदनी होने का नाटक करती है, और दूसरी तरफ उस बेचारे विक्रम, ठीक, मैंने आपसे यूं उम्मीद ना थी ठाकुर सर। आप रसाल के बारे में इतनी घटिया बात सोच सको हो, यो मैं अपने सपने में भी ना सोच सकती थी। कमाल है, रसाल घटिया बात कर सकती है और मैं सोच भी नहीं सकता। ये कहां का न्याय है रुक्मी? हाँ, गलती रसाल ने की है रुक्मी, और तुम उसे दोष देने के बजाय मुझे कह रही हो। भारी रसाल दोषी ना है ठाकुर साहब, चाहे पूरी दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहे, कोई भी लांछन लगाए भारी बहन पर, मैं ना मानू, मैं रसाल ले जानू हूं ठाकुर साहब, वो अपनी जान दे सके पर अपनी लाज कभी ना दे सके। जब तुमने दीप भाई साहब पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो मैंने तुम्हारी राय की कदर की, ये सोचकर कि अगर तुम कुछ कह रही हो तो सोच समझ कर कह रही हो, और अब जब मैंने रसाल के बारे में कहा तो अपनी बहन के लिए तुम्हारा खून खौल उठा। यो बहस मारी बहन या आपरे भाई वास्ते ना है ठाकुर साहब, जिसमें हमें यो तय करना है कि किसका पलरा भारी है। यो बहस इस वास्ते है कि एक बींद अपने बींदनी के बारे में ऐसी ओछी सोच रख रहे हो। आप भूल गए होंगे ठाकुर साहब, पर मैं ना भूली हूं कि रसाल आपकी बींदनी है, और अपनी बींदनी के चरित्र पर इस तरह कीचड़ उछालना आपको शोभा ना देवे। मैं बकरी
बकरियां चराने निकली थी। अच्छा, अब बकरियां कहाँ हैं? घास खाने गई है। अच्छा, तो घास कहाँ है? बकरियां घास खाकर भाग गई। कोई देख लेगा। देखने दे, फौजियों को किसी से डर ना लगे। रसाल, एकली बैठी मुस्कुरा क्यों रही है? हे भगवान, ये क्या सोच रही थी मैं? के होयो? कुछ ना भाभी साहब, आप थोड़ी देर वास्ते विक्रम के पास बैठो, मैं जरा ड्राइवर से बोल के आती हूँ कि जाकर आसपास कहीं फोन ढूंढे। पास वाली गली में बनिए का घर है, खुला होएगो, वटे से फोन कर ले। जी। क्या कहा था थारे से कि वटे सबके सामने ये कहना है कि मैंने दीप ने और तूने रसाल के बारे में सारे घर वालों को इसलिए ना बताया ताकि किसी का काल जाना दुखे। और अठे मैं और मासा सबको ये साबित करने में लगे कि मारे को और मासा को सबकी चिंता है, लेकिन आप मामूस, आप तो वो बिल्ली निकले जो दोस्तों को चकमा देकर अकेले ही मक्खन हजम करना चाहो। हर बात के लिए जीजी आप और दीप वाहवाही लूट जाओ, पर कभी कभी मारे को भी तो मौका दिया करो वाहवाही लूटने का, ताकि चीजों सा को ये ना लगे कि मैं इस घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहा हूं। अरे आप दोनों को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? अरे तो नशा करके आए हुए के? आमसर, ये अचानक आपके मुंह से बगावत की बू कटी जा रही है। भणजे ना ही बगावत की बू आ रही है, ना ही नशे की बू। और जीजी आप भी, अरे आपने देखा नहीं मैंने किस आसानी से सारे घर वालों के सामने रसाल की बात रखी है जीजी। सबको यो भरोसा हो गयो कि रसाल को ही दोष है, और आप खुश होने के बजाय एक तुच्छी सी बात पे अपना जी जला रही हो और भांजे को भी उसके साथ में ले रही हो। अरे जीजी, जलाना ही है तो जीजोसा के मन में रसाल के लिए नफरत की चिंगारी जलाओ। सिर्फ जलाओ ही नहीं जीजी, भड़काओ, भड़काओ जीजी। मारी तो समझ में ना आ रही है, जब रसाल ने हम सबके सामने विक्रम से ब्याह करने वास्ते मना कर दियो तो फिर आज छुपकर विक्रम के पास जाने की के जरूरत थी? भगवान जाने और के दिन देखनो बाकी रह गयो है। इस हवेली की परंपरा सम्मान ऐसो लाग रियो है जैसे सब कुछ खत्म हो जावे को। मासा, मैंने हवेली की परंपराओं का मान रखने वास्ते रणवीर के प्रस्ताव को ठुकरा कर रसाल की बात पर विश्वास कियो, पर आखिर वो ही होयो जिसको डर थो। रसाल ऐसा करेगी? मैंने कभी सोचो ना थो। रणवीर, रुक्मी और विक्रम का सामना करते हुए अपने सिंदूर की लाज रखने वास्ते उसको अकेले लड़ते देखियो तो मने लागियो मैंने सचमुच बहुत पुण्य कियो है जो इस हवेली के वास्ते ऐसी बिंदनी मिली, पर आज मारा मनोबल टूट गियो है। टूटेगो ही ना मासा। अब घर की बिंदनी छुपकर किसी पराये मर्द से मिलने जावेगी तो मासा मारे को लागे कि इसमें सबसे बड़ी गलती रणवीर की है। अब देखिए, हमें रणवीर की चिंता है कि उसे परेशानी ना हो, इसी वास्ते हम सब उसकी हर बात मान लेंगे, लेकिन रणवीर को इस बात की कोई कीमत ना है।
वो तो बस अपनी बींदनी के पल्लू में बंधकर पीछे पीछे घूमे। जैसा रुक्मी कहे वैसा ही वो करे, जैसे जैसे हम सब उसकी नजर में कुछ है ही ना। कुछ ही महीनों में इस हवेली को चाल चलन ही बदल गए। रणबीर अपनी मनमानी करे, उसी की देखा देख उसकी बिंदनियां भी वैसे ही मनमानी करे। अब देखिएगा जब रसाल वापस आएगी तो कोई मासूम सो बहाड़ो बना देगी और हम सब फिर रणबीर के वास्ते चुप रह जाएंगे। और रसाल की गलती, अरे के गलती, मैं तो कहूं पाप, उस पाप की उतराई भी अपने आप ही हो जाएगी। ना, इस हवेली की परंपराएं इतनी खोखली ना है कि जो जैसे चाहे वैसे उसके साथ खिलवाड़ कर सके। अगर रसाल दोषी है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। बारिश तो रुक गई है और पहाड़ी वाला रास्ता भी खुल गया है। अगर तुम्हें निकलना है तो यही मौका है। अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो तुम फंस जाओगी। पर विक्रम, उसने अभी तक आंखें ना खोली। विक्रम बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ इंजेक्शन की वजह से सो रहा है, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ। और थारे जाने के बाद जो उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो? उसे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। यश, विक्रम ने होश आ गयो है, उसने आंखें खोल दी है, भगवान रो घनो शुक्र है। ऐसा लग रहा है कम हो गया है। रसाल